इस वीडियो में हम देखेंगे कि UIDAI की वेबसाइट पर बायोमेट्रिक लॉक अनलॉक का जो फीचर जोड़ा गया है उसका एक्चुअल में क्या यूज़ होने वाला है, कहां पर आपको उसको यूज़ करना है, कब उस ऑप्शन का आपको इस्तेमाल नहीं करना है, इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं। UIDAI का जो मेन यूजर्स के लिए पोर्टल है ssup.uidai.gov.in, इसी पे आना है। इस वेबसाइट का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब यहाँ पर ये जो फीचर है, इस्तेमाल करने से पहले आप सभी को ये वेरीफाई कर लेना है कि आपके आधार कार्ड से कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। इसके लिए इस पेज पर आप नीचे की तरफ आओगे तो यहां पर आप सभी को चेक आधार वैलिडिटी का एक ऑप्शन दिखेगा जिस पे आप क्लिक करोगे तो यहां पर आप सभी से आपका जो आधार नंबर है, जो कैप्चा कोड यहां पर शो होता है, ये सेम फिल करने के लिए बोला जाएगा। जिसको आप फिल करोगे, प्रोसीड करोगे तो आप सभी के सामने आधार कार्ड की जो डिटेल्स है वो फेच होकर के आ जाते हैं। तो यहां पर आप सभी को मोबाइल नंबर की जो डिटेल्स है शो होने के बाद में आप सभी को मेन वेबसाइट आना है, जिसके लिए यहां पर ओके के ऑप्शन पे क्लिक करोगे आप होम पेज पर आ जाओगे जहां पर आपको लॉगिन करना है। आप जिसमें कि सबसे पहले तो अपना जो आधार नंबर है फिल करना है, कैप्चा कोड जो दिखाया गया है जैसा ये है कैपिटल स्मॉल सेम उसी तरीके से फिल करना है। आपको सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने इतना किया है तो हमारे मोबाइल फोन पर वेरीफाई करने के लिए एक ओटीपी आएगा जिसको यहां पर फिल करना है। देन आप सभी को लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे हमने लॉगिन किया है तो आधार से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं वो हमें शो हो जाते हैं, जिसमें कि यहां पर प्रोफाइल का जो आइकन दिया गया है जिस पर क्लिक करके हम अपना जो आधार कार्ड है उस पर देख सकते हैं कौन कौन सी डिटेल्स मौजूद हैं। अब यहां पर इस पेज में आप नीचे की तरफ आओगे तो यहां पर आपको लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक का एक ऑप्शन देखने को मिलता है जिस पर कि आप क्लिक करोगे तो यहां पर आप सभी को ये जो फीचर है क्या यूज होने वाला है। सबसे पहले तो आप इमेज से भी समझाया गया है कि इन सारे मेथड से ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाएगा, जिसमें कि आपकी फिंगरप्रिंट, इसी के साथ में आयरिस और यहाँ पर फेस ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाएगा और यहाँ पर ओटीपी के थ्रू ऑथेंटिकेशन किया जा सकता है। इसी के साथ में नीचे की तरफ आपको दिखाया गया कि अगर अपनी बायोमेट्रिक अनलॉक अगर करोगे तो सारी जगहों पर आप इसे इस्तेमाल कर पाओगे। कोई भी फेस ऑथेंटिकेशन कर पाएगा, आयरिस के माध्यम से ऑथेंटिकेशन हो सकेगा और यहाँ पर फिंगरप्रिंट के माध्यम से ऑथेंटिकेशन किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये जानना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है क्योंकि कई सारे लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आकर के लॉक कर ले रहे हैं और उन्हें जब एक्चुअल में आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है कहीं भी ऑथेंटिकेशन करने की तो वो ऑथेंटिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट के अभी क्या है कि एग्जाम हो रहे हैं तो वहां पर बायोमेट्रिक के माध्यम से ऑथेंटिकेशन किया जा रहा है, जहां पर वो जाते हैं लेकिन उनका एग्जाम नहीं लिया जा रहा। कई सारे सेंटर्स से ऐसी प्रॉब्लम देखने को आई है तो वहां पर उन लोगों को पता नहीं होता कि करना क्या है। तो यहां पर बेसिकली आप सभी को बताया गया है कि बायोमेट्रिक अगर आपका लॉक होगा, जिसमें कि ये सारे जितने भी मेथड आते हैं बायोमेट्रिक के अंदर, आपकी फिंगर्स हो गई, आयरिस हो गई, फेस हो गया, तो इसके माध्यम से कहीं पर भी ऑथेंटिकेशन नहीं किया जा सकेगा। तो आप सभी को ये इंश्योर करना है कि अगर आप इसको लॉक करके रख भी रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमने लॉक करके रखा है, कहीं पर भी ऑथेंटिकेशन के लिए जा रहे हो तो आप इसकी वेबसाइट से या फिर एम आधार जो इनकी मोबाइल एप्लीकेशन है उसके थ्रू आप अनलॉक कर सकते हो। जब अनलॉक करोगे इसके बाद में कहीं से भी आप बायोमेट्रिक या फिर फेस ऑथेंटिकेशन भी कर पाओगे। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे आपको लॉक करना है। तो जिसके लिए हम यहां पर नेक्स्ट करेंगे तो यहां पर हमारा जो आधार कार्ड है वो अभी अनलॉक है, यहां पर आपको दिखाया जा रहा है और लॉक हम करना चाहते हैं। इसके लिए टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहां पर आप देखोगे कि हमारे आधार कार्ड की जो बायोमेट्रिक है वो लॉक हो चुकी है। अब यहां पर ऐसा मैसेज आने के बाद में आप अपने आधार कार्ड को कहीं पर भी अगर इस्तेमाल करोगे तो बायोमेट्रिक के थ्रू ऑथेंटिकेशन नहीं हो सकेगा, ओटीपी के थ्रू आप ऑथेंटिकेशन कर सकते हो। जिसमें कि अगर आप सभी को कभी भी दोबारा से इसे अनलॉक करना हो, यहां पर ये जो फीचर है इसको बंद करना हो तो आप सभी को डैशबोर्ड पे आना है। तो आप अगर लॉगिन करते हो पोर्टल के अंदर, आपको इस तरीके का रेड मैसेज दिखता है कि आपका जो आधार है लॉक है तो आप इसे यूज नहीं कर पाओगे। बायोमेट्रिक के माध्यम से कहीं पे भी ऑथेंटिकेशन करना है तो अनलॉक बायोमेट्रिक का ऑप्शन क्लिक करोगे, देन आप सभी के सामने सेम उसी तरीके का इंटरफेस आएगा जिसमें कि नेक्स्ट करोगे तो यहां पर अब आप अनलॉक कर पाओगे उसी सेम ऑप्शन से। जिसमें कि यहां पर भी समझना है आप सभी को, सबसे पहले तो टर्म एंड कंडीशंस को आपको एक्सेप्ट करना है और नीचे की तरफ आप सभी को ऑप्शन दिए गए हैं कि आप अपनी जो बायोमेट्रिक है वो टेम्परेरी तौर पर
अनलॉक करना चाहते हो या फिर हमेशा के लिए बंद करना चाहते हो, ये आधार एप्लीकेशन हमेशा यूज़ करते हो, तो यहाँ पर आप टेम्परेरी भी इसको डिसेबल कर सकते हो। कुछ समय के बाद में ऑटोमेटिक ये जो है फिर से लॉक हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये हमेशा के लिए बंद हो जाए, तो यहाँ पर आप सभी को सेकेंड जो ऑप्शन दिया गया है अनलॉक बायोमेट्रिक परमानेंटली, इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप हमेशा के लिए अपना जो आधार कार्ड है वो अनलॉक कर सकते हो। तो जैसे कि आप देखोगे कि हमने सेलेक्ट किया है नेक्स्ट करेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो आधार कार्ड है अब अनलॉक हो चुका है। दोबारा से अगर आप डैशबोर्ड पर जाओगे तो अब आपको लॉक वहाँ देखने को नहीं मिलेगा। तो बेसिकली आप सभी को इस वीडियो में यही बताना था इस फीचर का यूज़ क्या है, कब आप सभी को इस फीचर का यूज़ करना है, कब नहीं करना है। तो आशा करता हूँ आज के इस वीडियो में आप सभी को बायोमेट्रिक लॉक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, अपने अन्य फ्रेंड और फैमिली में इसे ज़रूर शेयर करना, और हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।